आपके बच्चे को एग्जाम में टॉपर कैसे बनाएं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, हर पेरेंट्स को अपना बच्चा पढ़ाई में टॉपर होना चाहिए ऐसा लगता है। उसके लिए वो अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे, उसको अच्छी ट्यूशन लगाएंगे, उसको जो भी वातावरण देना है वो वातावरण देंगे, और उसके अलावा जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो करेंगे। कुछ मैं आपको टिप देता हूँ, वो देखिए। एक तो क्या है कि बच्चे को राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बोलना चाहिए। क्या होता है कि एग्जाम में लिखना पड़ता है, यहाँ कितने भी पढ़ाई किया, कितने भी पढ़ाई करके याद रखा, बक बक किया, बोल लिया, तभी भी एक्चुअली जब लिखने जाता है वो तो प्रॉब्लम आता है। तो हरदम ये करना है कि वो उसको लिखने की प्रैक्टिस है कि नहीं। मतलब यदि 3 घंटा बच्चा पढ़ाई करता है तो कम से कम आधा पौने घंटा उसका लिखना जरूरी है, उसने लिखने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर ये देखो कि बच्चा एग्जाम के लिए नहीं है, मतलब एग्जाम कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम है चलो अभी बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बच्चे के लिए एग्जाम है, एग्जाम के लिए बच्चा नहीं है। तो उसको पीछे लगना, कुछ तो भी करके बस टॉपर आना ही चाहिए, पढ़ाई करो, पीछे लग लग के एग्जाम है करके, ऐसा प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए। क्या है कि यदि प्रेशर बहुत है एग्जाम का और उसमें उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो काम नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। शारीरिक तबीयत और मानसिक तबीयत दोनों भी, ज़्यादातर मानसिक तबीयत ही खराब हो जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा तो फिर आदमी बच्चा काम ही नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता। तो ख्याल होना चाहिए बच्चे के काम के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, वो पढ़ाई कैसे कर रहा है, जो पढ़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा है, वो लिख के देख रहा है कि नहीं देख रहा है, और जो भी पढ़ाई करे उसकी प्रशंसा करो, ना कि कितने मार्क मिलेंगे, कितने परसेंट अभी लेके आएगा, मतलब उसके ऊपर उसके लिए प्रेशर मत डालो। जो भी पढ़ाई कर रहा है लिख के देख रहा है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार लिखने की प्रैक्टिस नहीं रही तो काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं, बोलते कि हमारे बच्चों को आता तो सब है, एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाता क्योंकि उसने पढ़ाई की है मगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। तो लिखने की प्रैक्टिस करो, नॉलेज के ऊपर फोकस करो, ना कि एग्ज़ाम के ऊपर कि भाई एग्ज़ाम में क्या आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 90 आएगा कि 95% आएगा, नॉलेज कितना है और उसको अप्रिशिएट करने का है। फिर एग्ज़ाम के पहले जो आता है उसके ऊपर फोकस करो, कुछ दिन पहले जो नहीं आता है, जो वीक है भी उसके ऊपर फोकस करके, मतलब नहीं जो आपने साल भर नहीं किया, जो आपने सीखा ही नहीं है, अभी नया सीखने का टाइम नहीं है एग्जाम के कुछ दिन पहले, अभी जो आ रहा है उसके ऊपर फोकस करना, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है और उसको पक्का करना जरूरी है। फिर उसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर फोकस करना जरूरी है एग्ज़ाम के दिनों में, तंदुरुस्ती। तो और हेल्थ अच्छी रहने के लिए खाना, टाइम खाना खाना है, जंक फूड मैदा ये अवॉइड करना है, नींद अच्छी होनी चाहिए, नींद को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 6 से 8 घंटे की नींद लगती है बच्चों को, कोई लोगों का 6 घंटे में ठीक हो जाता है, कोई लोगों को 8 घंटे लगती है। तो 6 से 8 घंटे नींद है आपकी तो वो नींद लेना है, एक्सरसाइज करना है और सेल्फ हिप्नोसिस करना है या मेडिटेशन करना है, जिसके मन शांत रहेगा, मन शांत रख के वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन अच्छा कर सकेगा। बच्चों को ये भी पढ़ाओ कि आप पढ़ाई करने के समय स्वसम्मोहन करके कैसे पढ़ाई करेंगे, खुद को हिप्नोटाइज करना और पढ़ाई करना वो कैसे होगा, और वो भी आप सिखाते हैं, और बच्चा सेल्फ हिप्नोटाइज होकर पढ़ता है तो कम समय में ज़्यादा पढ़ सकेगा। तो मैंने आपको टिप दी है, इसका पालन करो, डेफिनेटली आपका बच्चा एग्जाम में टॉपर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी पेरेंट्स लोगों को शेयर करो जिनको अपने बच्चों को एग्जाम में टॉपर लाने का है। थैंक यू वेरी मच।